हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप का जो 3D एनिवर्सरी का जो वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपको भी इस टाइप का वीडियो एडिटिंग चाहिए तो मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहे, और अभी तक तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर हर दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों देखो कॉपीराइट वैसे मैंने वीडियो को थोड़ा सा मूट कर दिया, आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, अलर्ट मोशन ओपन कर लेना है। इसी तरह आपको अलर्ट मोशन ओपन करके आपको आ जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के ऊपर में देख रहे हो बीड सॉन्ग फुल प्रोजेक्ट और इलीगल प्रोजेक्ट, ये दो प्रेसेट आपको इनपुट करना पड़ेगा अपने अलर्ट मोशन से। आपको कैसे इनपुट नहीं पता तो ऑलरेडी बॉल आर टॉपिक पर वीडियो बना के रख लिया मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वही वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना, आपको इलीगल प्रोजेक्ट इस तरह आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने यहाँ आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, सेलेक्ट ऑल करके आपको कॉपी 11 लेयर आपको कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके सारे कॉपी आपको कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस तरह आपको फुल प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। फुल प्रोजेक्ट ओपन कर यहाँ आपको लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके पेस्ट कर लेना। ओके, जो 11 लेयर है आपको पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के उसके बाद कैमरा ऑन के देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर अपना फोटो ऐड करना है और आपको नेम वगैरह आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और अभी तक लाइक नहीं करते प्लीज लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह आपको आ जाना है। ओके, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह आपको विशिंग व्यू लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे फोटो आप मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको डाउनलोडिंग कर लेना। सारे मटेरियल आपको डाउनलोडिंग कर लेना, आपको फोटो को रिप्लेस कर लेना है। जिस फोटो पे आपको वही फोटो आपको रिप्लेस करना होगा तभी आपका वीडियो जो आपको HD लुक में दिखाई देगा। ओके, नहीं तो आपको लाउ क्वालिटी दिखेगा। ओके, तो आपको इस वाला जो PNG है आपको सारे PNG रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो सारे PNG का मटेरियल लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, फिर से आपको आगे चले जाना है, यहाँ भी आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, उसके बाद कैमरा को पहले ऑफ कर लेंगे। देखो यहाँ पर फोटो लगाया है तो आपको यहाँ पर कैसे अपना फोटो यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर प्लस में इस तरह आपको बिडमार्क पर आ जाना है, प्लस में टैप करना है, मीडिया में जाना है। और ओके, तो यहाँ आपको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, इस तरह आपको अपना फोल्डर भी सेलेक्ट कर लेना, कौन सा फोल्डर में आपका फोटो है। तो आपको डेमो दिखाने के लिए कोई भी एक फोटो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस वाला फोटो हम चूज कर लेंगे और प्लस में टैप कर लेंगे। इस तरह आपको फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, उसे नेक्स्ट करके आपको नेक्स्ट करके अगले बिडमार तक आपको इस वाला फोटो को ऐड करना होगा। ओके, तो इस बार फोटो आपको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ओके, फोटो आपको क्लिक करना है और मोबाइल ट्रांसफर क्लिक करें, जेर ऑप्शन क्लिक करना, इस तरह ऊपर में आपको कर लेना। ओके, ऊपर में करने के बाद फोटो को पीछे देखो चला गया, थोड़ा ऊपर लाएंगे अभी, और यहाँ पर आपको इस तरह जूम कर लेना, दोनों फिंगर से पकड़ के इस तरह आपको जूम कर लेना। पहले वाला फोटो जितना रहेगा आपको इतना ही रख लेना है और नीचे आ जाना है और पहले वाला फोटो को आपको क्लिक करके डिलीट कर देना है। कैमरा ऑन कर दे, देख सकते हो यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। ओके, इसी तरह से आपको फोटो जो आपको ऐड कर लेना है। ओके, और भी एक तरीका फोटो ऐड करने का, डायरेक्ट यहाँ भी फोटो ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्लिक करना है, कलरफिल में जाना है, PNG में जाना है डायरेक्ट यहाँ से। तो आपको डेमो दिखा ले, एक फोटो में यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो इस वाला फोटो। ओके, तो यहाँ पर इस वाला फोटो में ऐड कर लेंगे, देखो डायरेक्ट यहाँ पर फोटो ऐड हो जाएगा। थोड़ा कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, एडिट से पर आ जाना है इस तरह। ओके, इस तरह दोनों फिंगर से पकड़ के भी इस तरह आपको जहाँ भी आपको रखना है इस तरह अपने हिसाब से आपको फोटो को यहाँ पर भी एडजस्ट करना होगा। ओके, इसी तरह आपको फोटो वगैरह जो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, देखो यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। ओके, इतना करने मतलब यहाँ जो आपको नेम लिखा हुआ मिलेगा, देखो यहाँ पर नेम जो लिखा है आपको कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन में जरूरत पड़ेगा BigSlap, यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इस तरह आपको टैक्स ऐड कर लेना है, इस तरह आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने में यहाँ जो भी आप नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको डेमो दिखाने कोई भी फॉर्म नाम लिख देते हैं। ओके, ओके, इस तरह आपको नाम लिख लेना है। ओके, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ओके क्लिक कर देना है। ओके पर आपको क्लिक करना, इस तरह आपको सेंटर में रख लेना है, नाम को यहाँ पर क्लिक करना है, ए पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोन ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ आपको आ जाना फोन पर, फोन पर ऐड करने में जो भी आपको अच्छा लगे वही फोन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ये वाला हम लगा लिया, उसे तो क्या करना, आपको आगे चले जाना, यहाँ आपको स्टॉक का मिलेगा, स्टॉक को आपको ऑन कर लेना है और आपको शेडो को भी ऑन कर लेना। ओके, इस तरह आपको ऑन होने के बाद आपको फिर से आपको आ जाना यहाँ 3D रोटेट, यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह 3D रोटेट कर लेना है इस तरह। ओके, यहाँ पर 70 या 71 आपको रख लेना है, उसे डन करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको ट्रांसफर पर क्लिक करके यहाँ सेव करके इस तरह आप सेव कर लेना। ओके,
फोटो सेव हो जाएगा। सेव होने का फिर से आपको एलर्ट बटन में आ जाना है और आपको यहाँ पर भी फोटो आपको मिल जाएगा, इमेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इमेज आपको मिल जाएगा। ओके, इस वाला इमेज पर क्लिक करके इस तरह कलर फील्ड में जाकर आपको इमेज को भी चेंज कर लेना। ओके, इस तरह आपको पिक्सल में होगा तो इस तरह आपको इमेज को भी चेंज कर लेना है। चेंज करने में यहाँ आपको एक वीडियो एड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऊपर में जो येलो कलर का लेयर देख रहे हो MP4 लिखा है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक वीडियो एड करना है। वीडियो का भी लिंक मिलेगा, आपको डाउनलोडिंग करना होगा। ओके ओके, तो दोस्तों इस बार वीडियो हम ऐड कर लेंगे। इस तरह आपको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको देखने के लिए इस तरह आपको आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको फोटो, आप अपना फोटो यहाँ पर लगा लेना। इसी तरह से आपको यहाँ भी आपको जो टैक्स है वो यहाँ पर लिखा है नेम, यहाँ पर एडिट करके अपना नाम यहाँ भी ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और वीडियो को फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेना। ओके सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।